जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत, आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ आज अगेन बीटीसी के एनालिसिस के हवाले से बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। जिस तरह से मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था आप लोगों के साथ, बीटीसी अगेन उसी वे में ही चले और बीटीसी ने यहाँ पर बहुत अच्छा इस लेवल का ब्रेकआउट दिया और दोबारा इसी लेवल के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं। और नीचे मैंने दो जोन भी ड्रा किए हुए हैं और थोड़ा सा ट्रेंड भी ड्रा किया हुआ है। तो ये सारे के सारे डिटेल डिस्कशन आपको टेक्निकल एनालिसिस इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो लोग श्योरली उन्होंने ये मिस किया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लियर आप लोगों को ब्रेकआउट और ब्रेकआउट पे आप लोगों को ट्रेड बता दी थी कि ट्रेड आपकी पॉजिटिव में जा सकती है, इतने परसेंट इसके चांसेस बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखा पाता हूँ H4 के अंदर, तो मुझे नीचे रिजेक्शन नज़र आई थी और उस रिजेक्शन पर मैंने आप लोगों को एक ट्रेड दी थी और उस रिजेक्शन को मार्केट ने फेल नहीं किया था। तो अगर आप लोगों को रिमेंबर हो तो ये वाला वो था सीन, ये चेक कर सकते हैं। इस कैंडल पर मैंने आप लोगों को बाय की ट्रेड दी थी और मार्केट ने इसका लो कहीं भी ब्रेक नहीं किया। अगेन ये वाली कैंडल थी, इस पर बाय की ट्रेड आपकी बनती थी। तो जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया और बहुत अच्छा प्रॉफिट में इस वक्त भी मौजूद हैं। अब नेक्स्ट क्या सीन हो सकता है वो सारे डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। तो जब वीडियो इंपॉर्टेंट हो तो आप लोगों ने इसको पूरा देखना, आप लोगों का हक बनता है, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ सके कि वीडियो में समझाया क्या जा रहा है। अच्छा, अगर मैं लेवल्स की और सपोर्ट रेजिस्टेंस की इस वक्त मैं मार्केट में बात करूँ आप लोगों की, BTC की सपोर्ट इस वक्त क्या है, BTC की जो इस वक्त सपोर्ट है वो 20,400 के लगभग है और जो रेजिस्टेंस है BTC की वो $20,978 हो सकती है। तो इन दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को माइंड में रखें। अगर आपको ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, आपकी यहाँ से ट्रेड एक्टिव होनी चाहिए। ट्रेड एक्टिव कहाँ पे होगी? यहाँ पे दो जोन मैंने ड्रॉ किए हुए, इस जोन क्यों ड्रॉ किए मैं ये भी बता दूंगा। और H4 में अगर आपको मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है तो आप लोग इजीली बाय की तरफ जाएं, आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। अगेन यहाँ तक, फिर यहाँ पे है मार्केट, फिर यहाँ तक, तो ये आपके अच्छे जोन हो सकते हैं ट्रेड करने। तो इस लेवल पे आप ट्रेड कर सकते हैं। इसी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में अगर लेके चलूँ तो यहाँ पे हम इसको ले जाते हैं 1 आवर के अंदर। तो 1 आवर में मुझे यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल एक मिल रही है, ये वाली जो पिन बार है, और यहाँ पे मैंने दो जोन ड्रॉ किए हूँ, लेकिन इसमें जो ऑथेंटिक जोन है वो आप लोगों का कुछ ये बनेगा, ये वाला जोन आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, फर्स्ट जोन अपना, ठीक हो गया, जो कि एरिया बन रहा है 20,600 से लेके तकरीबन 20,417 के लगभग। इस एरिया में मार्केट आपके पास बाइंग हो सकती है। और मार्केट, ये मैंने एनालिसिस सुबह परफॉर्म किया था और मार्केट यहाँ पे 2 मरतबा आई है, और जिसने इस लेवल से बाय किए तो ऑलरेडी वो भी प्रॉफिट में मौजूद होगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी बाइक एंट्री ली और मैं अभी एग्जिट करूँगा जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, नहीं स्टॉप लॉस में अपने ब्रेक इवन पर डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैंने, अच्छा ये क्यों ड्रॉ किए हुए लेवल्स, तो लेवल्स ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इससे बेस्ट एक लेवल मैं आप लोगों को निकाल देता हूँ, अगर मार्केट H1 में इस लेवल को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी फुल, और वो आपका ये लेवल है। तो इस कैंडल को भी आप लोगों ने मद्देनज़र लाजमी रखना है, 20,255 से लेके 20,137, ये वाला जो रेंज है, ये दो जोन है जिन जोन को मैं बाइंग जोन कंसिडर कर सकता हूँ, जिनको मैं ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकता हूँ किसी ना किसी सूरत में। तो आप लोगों को अगर इसमें मार्केट नज़र आती है, लेकिन इसमें मार्केट अभी नज़र नहीं आएगी क्योंकि मार्केट ने अभी, मे भी हो सकता है कि इस ट्रेंड को फॉलो करें। अगर मार्केट रेंज करती है तो फिर आप लोग ये लेवल भी मार्केट सपोर्ट करेगी। अगर मार्केट रेंज नहीं करती, मार्केट यहीं से डायरेक्ट ऊपर जाने की सोच रही, फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करेगी और इस लेवल की रिस्पेक्ट करेगी, मार्केट यहां तक जा सकती है। और 30 की तकरीबन, ऑलमोस्ट 30 की यहां पे करेक्शन मार्केट ले चुकी है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग जो H4 में है, देख लें, H1 में देख लें, आपकी 20,800 से ऊपर ऊपर हो जाती है, 20,700 से ऊपर ऊपर हो जाती है, तो कोई भी एक घंटे कैंडल से ऊपर रहती है, तो ईजिली मार्केट आपको नेक्स्ट टारगेट 21,522 तक भी देखने को मिल सकते हैं। ये था BTC का एनालिसिस। अब हम चलेंगे इथेरियम के ऊपर और इथेरियम में देखेंगे इस वक्त मार्केट क्या शो करवा रही है, और फिर हम देखेंगे BNB को। तो इथेरियम में मार्केट ने बहुत अच्छा पंप किया, मार्केट इथेरियम में भी एनालिसिस मेरा सेम वही था जैसे BTC में था। जिन लोगों ने इथेरियम का एनालिसिस फॉलो किया होगा वो बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर, मैंने इस सपोर्ट पे आप लोगों को बोल दिया था कि जब तक मार्केट इस लेवल की रिस्पेक्ट करिए तो आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। 1200 से लेके यहाँ पर बाय किया, और इसके बाद यहाँ पर अगेन इथेरियम के अंदर आप लोगों को एक बहुत अच्छा यहाँ से रैली दिखाई, मार्केट ने बेस बनाया, रैली दिखाई। अगर आप लोगों को ये 1592 अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती दिखाई देती है, आप लोग यहाँ से अगेन ब्रेकआउट कैंडल पे ट्रेड करके बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इथेरियम की जो आज की सपोर्ट है वो आपकी 1514, इसको कंसिडर करें, 1514 नहीं आपकी होगी, सॉरी 1456, ठीक है 1450। और इथेरियम की जो रेजिस्टेंस है आज की वो 1591 आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो इन लेवल पे आप लोग ट्रेड करें, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे।
मे बी अगर आप लोगों को याद हो बीएनबी का मैंने आप लोगों को बोला था कि जब बीएनबी आपको 264-260 तो जब यहाँ पे मार्केट आपको देखने को मिलता, मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर बाय सिग्नल बोला था और बोला था थोड़ा सा वेट कर लेना, होल्ड कर लेना। यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद अगेन मार्केट ऊपर गई और दोबारा इसी के ऊपर रिस्पेक्ट कर रही है। तो मेन टू से दैट कि बीएनबी यहाँ से थोड़ा सा मजीद भूल जाने चांस हो सकते हैं, 300 को मे बी टच कर सकता है बीएनबी इजीली, क्योंकि यहाँ पे 293 लगा चुका है और इसके लिए 300 टच करना आपको इतनी बड़ी बात नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बीटीसी बुल ट्रेंड में, इथेरियम बुल ट्रेंड में, लार्ज कैप को है तो इसको भी बुल ट्रेंड में कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो अभी क्या सीन है कि यहाँ पे जो इसकी सपोर्ट है वो 284 है, रेजिस्टेंस 293 है। सपोर्ट पे मिले आप लोग यहाँ से हल्का सा बाय करें, क्योंकि ट्रेंड बाय है। सपोर्ट पे बाय 284 पे, 280 पे बाय बनेगा और उसके बाद सेल का जो आपका एरिया होगा वो 293 और उसके बाद अगर वो ब्रेकआउट हो जाते 295-97 और 300 ये आपका सेलिंग एरिया हो सकता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में बताना है। किसी को एनालिसिस चाहिए हो वो भी आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना है। और जिन लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाह रहे हैं वो लोग व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होते हैं। और जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में XNX का लिंक मौजूद है, अकाउंट क्रिएट करके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके वहां से फॉरेक्स ट्रेडिंग की कॉल्स भी फ्री में इंजॉय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करना इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दो हम याद रखेगा, टेलीग्राम ट्विटर इंस्टाग्राम पर फॉलो अप कीजिएगा। आपका होस्ट राहिल राजपूत।